उत्तराखंड के कोटद्वार मोटा ढाक में 13 जुलाई को मालन पुल ढह गया था। इसके बाद अब भावर के औद्योगिक क्षेत्र समेत 35 गांवों के लिए भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। मालन नदी पर 300 मीटर पेंच पर वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी ने वैकल्पिक मार्ग को युद्ध स्तर पर बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही वे खुद मार्ग के बनने की प्रतिदिन की रिपोर्ट ले रही थी और वैकल्पिक मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी कर रही थी। विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक मार्ग को 21 दिन के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय अवधि पर पूर्ण कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने वैकल्पिक पुल के संचालन होने पर बताया कि कोटद्वार वासियों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर कराया गया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। खत्म हुआ था वो फिर से जुड़ जाए। कल इस पर हम लोगों ने और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अफसरान जो लोग हैं, उन्होंने इस पर भारी वाहन चलाकर इसको देखा है और आज से वो जनता के लिए समर्पित हो गया है। लेकिन मैं सभी जनता सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि भारी वर्षा जब हो या नदी में पानी का बहाव तेज हो तो इस वैकल्पिक मार्ग को ना ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये है आखिर वैकल्पिक मार्ग।